गुजरात के नए मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र भाई राजनीतिक पटेल के नाम का ऐलान हुआ था। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम को लेकर सहमति बनी थी। भूपेंद्र पटेल इस वक्त अहमदाबाद की घाट लोदिया सीट से विधायक हैं। वह 2017 में पहली बार विधायक बने थे। उनसे पहले इस सीट के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी चुनाव जीता था। पटेल पटीदारी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक से पहले जब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता यामल व्यास ने जब भूपेंद्र पटेल को अगले मुख्यमंत्री बनाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि पटेल एक विधायक हैं, लेकिन उन्हें लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, हम बैठक खत्म होने का इंतजार करेंगे। अब हम आपको बताते हैं भूपेंद्र पटेल के बारे में। भूपेंद्र पटेल सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। राजनीति में पूरी तरह एंट्री से पहले वे अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण से अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बताया जाता है कि गुजरात की मुख्यमंत्री रहते हुए आनंदीबेन पटेल ने खुद उनका समर्थन किया था। बाद में जब आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो उन्होंने अपनी सीट से भूपेंद्र पटेल को चुनाव लड़ने का समर्थन भी किया था। इतना ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे तब 1999 से लेकर 2001 के बीच पटेल अहमदाबाद नगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे, जबकि 2008 से लेकर 2010 के बीच वे अहमदाबाद नगर पालिका स्कूल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे। 2010 से लेकर 2015 के दौरान वे अहमदाबाद के ही थालतेज वार्ड के पार्षद भी रह चुके हैं। भूपेंद्र पटेल ने 2017 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शशिकांत पटेल को हराया था। इसे लेकर रोचक किस्सा यह है कि 2017 में विधानसभा चुनाव में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद आनंदीबेन ने कहने पर ही उन्होंने टिकट दिया गया था। पटेल ने ये चुनाव 1,70,000 से ज्यादा मतों से जीता है। यहाँ न्यूज नेटवर्क के लिए भूमिका राठौर की रिपोर्ट।